नमस्कार दोस्तों, वी एजुकेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग एनसीईआरटी के सेक्शन में अर्थशास्त्र पर या भारतीय अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं और इसके अंतर्गत चार लेसन हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। और आज कक्षा 10 की पुस्तक आर्थिक विकास की समझ, जो कि कक्षा 10 के लिए जो निर्धारित की गई है एनसीईआरटी के माध्यम से, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के काफ़ी कुछ पहलुओं को उकेरने में जो मदद करती है, और इसका अध्ययन करके हमें भारतीय अर्थव्यवस्था या विशेष करके अर्थशास्त्र के बेसिक पॉइंट्स और टॉपिक के बारे में समझ विकसित करने में मदद मिलती है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत कक्षा 10 की जो पुस्तक आर्थिक विकास की समझ है, उसके अंतर्गत हम लोग विकास यानी कि डेवलपमेंट टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे और इसके माध्यम से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि विकास किस तरीके के भाव और धारणा को व्यक्त करता है। बेसिकली विकास की जब बात होती है तो हमें ये पहले देखने का प्रयास करना है कि विकास कैसे उसकी धारणा उत्पन्न होती है और विकास कहाँ से प्रारंभ किया हुआ माना जा सकता है। अगर हम व्यक्ति के संदर्भ में देखें, यद्यपि अर्थव्यवस्था अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारा इस टॉपिक को पढ़ने का उद्देश्य बेसिकली राष्ट्र के संदर्भ में होता है, लेकिन उसको हम थोड़ा सा पहले जो है व्यक्ति के संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि एनसीईआरटी की बुक में उल्लिखित है कि अगर कोई भी व्यक्ति है जो जीवन यापन कर रहा है, उसकी एक निश्चित आय हो सकती है किसी भी समय में। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की आय जो है 40,000 है और इस 40,000 के माध्यम से वो अपने आवास के, अपने शिक्षा, बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में बिजली, पानी, राशन, इस पे खर्च करता, वो पूरी हो जाती है। अब ये सवाल उत्पन्न होता है, अगर वो व्यक्ति जो जीवन जी रहा है वर्तमान समय में, उसमें परिवर्तन करके वो कैसा जीवन जीना चाहता है और उसमें क्या बदलाव करना चाहता है, उसमें किस परिवर्तन को शामिल करना चाहता है, इस बात पर निर्भर करता है। और यहीं से विकास की अवधारणा उत्पन्न होती है, विकास के लिए प्रयास यहीं पर प्रारंभ होता है। यदि वो अपने जीवन के स्तर को बदलना चाहता है, जीवन में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहता है, जैसे इतना होने के बावजूद भी अगर उसे, मान लीजिए कि सामान्य रूप से वो जो जीवन यापन कर रहा है, अब उसे कार से चलने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो निश्चित तौर पर उसे कार खरीदने के लिए और उसे चलने के लिए जो उस पर आवश्यक परिचालन व्यय आता है, उसके लिए अपनी आय को बढ़ाना होगा। तो आय को बढ़ाने के लिए कुछ आर्थिक क्रियाएं वो जो है करेगा, चाहे कोई बिजनेस स्टार्ट करता है या किसी दूसरे के यहाँ जो है नौकरी करता है, तो इस तरीके का, या कोई सरकारी फील्ड में आता है नौकरी करने के लिए, तो इसके माध्यम से वो अपनी आय को बढ़ाने का प्रयास करता है। कुछ आर्थिक जो है गतिविधियां जो है की जाती हैं। तो अगर वो मान के चलिए कि कोई बिजनेस प्रारंभ करता है तो एक आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक क्रिया है जिसके माध्यम से जो उसकी आय बढ़ती है। तो इन सभी बातों को लेकर के हम विकास की अवधारणा को, प्रारंभ होने की बात को खोज सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति की जो आकांक्षाएं और अपेक्षाएं हैं, उनमें बढ़ोतरी, उनमें बदलाव के आधार पर विकास की बात जो है प्रारंभ होती है। एक तो बात ये हो गई, दूसरी ये हो गई कि अलग अलग जो लोग हैं उनके लिए जो है विकास के लिए मानदंड अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनकी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं। तो जितना जिससे पृथक होगा, उतने ही उसकी आर्थिक क्रियाएं पृथक होंगी और विकास के उतने ही अलग अलग आयाम निकल करके सामने आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग लोगों की अपेक्षाएं अलग अलग हो सकती हैं, इसके आधार पर आर्थिक क्रियाएं अलग हो सकती हैं और विकास के लिए अलग, या कहा जाए कि बहुआयामी मार्ग और बहुआयामी प्रयास हो सकते हैं, जिसके माध्यम से वो विकास की दिशा में आगे बढ़ता है और विकास की धारणा व्यक्त होती है। तो ये बात हो जाती है विकास के संदर्भ में अलग अलग लोगों के मत। अब हम एक और चीज देखने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति, जैसा कि हमने उदाहरण दिया एक इनकम के आधार पर, इसके आधार पर व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कि उसे राशन खरीदना है, उसे सब्जी ले आना है, फल ले आना है, दूध ले आना है, इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं बच्चों की, अगर फीस देना है तो वो एक कैश के रूप में जो पेमेंट कर देता है। लेकिन इसके साथ में जो है, अब यहाँ पर ये दो आयामी हो गए, एक तो हमने भौतिक बता दिया और दूसरा जो है वो अभौतिक भी है।
जो है आय प्राप्त करके केवल और केवल भौतिक वस्तुओं से ही अपनी संतुष्टि नहीं कर सकता। जब उसे जीवन यापन की दिशा में जो है आगे बढ़ना होता है तो वो कुछ अभौतिक जो है कारकों की भी खोज करता है, जिससे वो अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने का प्रयास करता है। और इसी के बीच में वो जिंदगी जीने के कुछ अलग प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब आइडिया, मतलब विचार की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ जिंदगी जीने के जो है प्रत्यय की दिशा में जो है खोज करता है, जैसे स्वतंत्रता, सुरक्षा, सम्मान, समानता, ये सारे जो भी अवधारणाएं निकल करके सामने जो है आती हैं। और इसी आधार पर जो है अलग अलग आर्थिक क्रिया वाले क्षेत्रों में जो है अंतर भी पाया जाता है। जैसे सिटी में कोई व्यक्ति है तो उसकी अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है तो उनकी अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं। हर कोई आज की डेट में ये सोचता है कि उसे स्वतंत्र निर्णय लेने का जो है मौका मिले, उसे किसी व्यक्ति से कमतर ना कहा जाए, यानी कि समानता की भावना हो। वो यदि बाहर रह रहा है, कहीं ऑफिस में काम कर रहा है, तो एक सुरक्षा का भाव होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अक्सर महिलाओं के साथ ये कहा जाता है कि कार्यस्थल पर उनके साथ दुर्व्यवहार या कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण किया जाता है। हालांकि इसके संदर्भ में भी सरकार ने कई प्रकार की जो व्यवस्थाएं किया है और कोर्ट ने जो है वीजा का गाइडलाइन भी जारी किया हुआ है, खैर वो एक अलग टॉपिक है जिस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, परंतु इतना जान लेना आवश्यक है आज के इस लेक्चर में कि व्यक्ति सुरक्षा, स्वतंत्रता, समानता जैसे भाव को भी व्यक्त करना पसंद करता है। तो ये बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि विकास जो है वो केवल 40 को जो है 50,000 कर लेने से ही नहीं है, बल्कि विकास कुछ अन्य अभौतिक धारणाओं के रूप में भी व्यक्त करता है जो कि विकास के जो है आयाम हो सकते हैं। और उन आयाम के साथ में जब व्यक्ति की आय भी बढ़ती है तो ये कहा जाता है कि विकास हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि भौतिक और अभौतिक कारकों के क्षेत्र में व्यक्ति के द्वारा किया गया सकारात्मक जो परिवर्तन, जो उसकी आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को पूरा करता है, वो विकास कहलाता है या विकास के रूप में वो व्यक्त होता है। तो ये भौतिक और अभौतिक कारक हो गए। अभी तो हम बात कर रहे थे किसी व्यक्ति के संदर्भ में, लेकिन जब हम अर्थव्यवस्था जैसे टॉपिक पर चर्चा करते हैं तो हमारा उद्देश्य कहीं ना कहीं एक देश की अर्थव्यवस्था, एक राष्ट्र के जो है संदर्भ में विकास को देखना होता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे राष्ट्र के संदर्भ में। जैसे अगर किसी हम व्यक्ति, एक कक्षा मान लीजिए, जैसे आप लोग ही बैठे हुए हैं और इसमें से जो है 10 स्टूडेंट को अगर खड़ा किया जाए तो किसी की लंबाई ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, कोई ज़्यादा स्वस्थ होगा, कोई कुछ कम स्वस्थ होगा, कोई ज़्यादा प्रतिभा संपन्न होगा, कोई कम होगा, कोई खेल में रुचि रखता है, कोई कल्चरल प्रोग्राम में जो है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि रखता है। तो इन आधारों पर जिस तरीके से अलग अलग जो है स्टूडेंट में अंतर किया जाता है, उसी तरीके से राष्ट्र के भी विभिन्न स्तरों पर तुलना करने के लिए कुछ न कुछ आधार होते हैं। उन्हीं आधारों की ही पृष्ठभूमि में ये बातें निकल करके सामने आती हैं कि वो हम जो है विकास के जो है मानदंड या विकास के जो है कारकों के रूप में उसको देखने का प्रयास करते हैं। और इसी में जो एक महत्वपूर्ण जो कारक है वो है आय। अभी हमने बात किया किसी व्यक्ति के संदर्भ में आय, जैसा कि उल्लिखित था, उसी तरीके से राष्ट्र के संदर्भ में भी आय जो है कि अवधारणाएं होती हैं और इन्हीं अवधारणाओं के आधार पर हम विभिन्न राष्ट्रों की तुलना करते हैं। और अभी ये देखने का प्रयास करेंगे कि इस तरीके से विश्व विकास रिपोर्ट में जो है देशों को बताया जाता है। तो आय, अब यहाँ उत्पन्न होता है कि आय क्या है। अगर हम किसी देश के संदर्भ में देखें, किसी राष्ट्र के संदर्भ में देखें, तो साधारण और सामान्य अर्थों में अगर देखने का प्रयास किया जाए तो उसके निवासियों की जो आय है, उन सभी निवासियों की जो कुल आय है वही राष्ट्र की आय है, वही जो है राष्ट्रीय आय होती है। यद्यपि राष्ट्रीय आय के संदर्भ में कई पृथक अवधारणाएं हैं, जैसे सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, लेकिन यहाँ पर हम केवल सामान्य संदर्भों में पढ़ रहे हैं कि किसी देश के अंदर जो भी निवासी रह रहे हैं उनके निवासियों की कुल आय जो है वो ही राष्ट्र की आय होती है। यद्यपि ये जो परिभाषा है ये GDP के संदर्भ में है, क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है कहा जा रहा है, सकल घरेलू उत्पाद वो जो है निवासियों के संदर्भ में बात करता है। और जब घरेलू को जो है हम राष्ट्रीय कर देंगे, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, तो राष्ट्र किसकी बात करता है,
राष्ट्र कहीं ना कहीं नागरिकों की बात करता है, अर्थात निवासी में सभी लोग आ जाइए जो यहाँ पे निवास करते हैं। हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे लोग हों जो दूसरे देश के हों और यहाँ पे रह रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे भी नागरिक भारत के होंगे जो बाहर रह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि बाहर के लोग जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं उनकी आय को घटा देंगे और जो हमारे नागरिक बाहर हैं उनकी आय को यहाँ पे जोड़ देंगे, तो ये जो GDP है वो बदल जाएगी GNP, GNP बदल जाएगी। यानी कि ये अभी यहाँ पे डोमेस्टिक है, घरेलू है। घरेलू का मतलब हमारे घर में, देश के संदर्भ में घर का मतलब पूरी सीमा से ही है। तो वहां पे जितने लोग रह रहे हैं, निवासी की बात, यहाँ पे नागरिक की बात नहीं, निवासी की बात है, तो उन सभी क्या। लेकिन जब ये डी जो है ये यन में चेंज हो जाएगा, बाकी जी और पी यहाँ दोनों पे है, तो जहां पे डोमेस्टिक जो है वो नेशनल हो गया, नेशनल का मतलब नागरिकों से हो जाता है। तो वही चीज एक जो है यहाँ के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनकी आय को जोड़ दिया जाएगा और जो विदेशी नागरिक यहाँ पे है उनकी आय को निकाल माइनस कर दिया जाएगा। ये चीजें हो जाती है, GNP हो जाती है। इसी चीज को समझने के लिए हमारे यहाँ पूरा इकोनॉमिक्स में एक लेसन नेशनल इनकम रखा हुआ है। खैर वो आगे के चैप्टर में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पे यही जो है अवधारणा होती है। और एक NNP भी होता है, यानी कि जो ग्रास है वो नेट हो जाता है। तो वो चीजें बताते हैं कि डेप्रिसिएशन होता है कि कोई हमारी पूंजीगत जो मशीनरी है कुछ है तो उसमें घिसावट होती है समय के समय, उसके मूल्य कम हो रहे हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला डेवलप होता है कि एक निश्चित आय जो है प्रतिवर्ष घटा दिया जाता है और उसके बाद वो NNP यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय आय जो है बचती है, और शुद्ध राष्ट्रीय आय फैक्टर, शुद्ध राष्ट्रीय आय ही जो है आपकी नेशनल इनकम हो जाती है। NNP एट फैक्टर कास्ट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी, यद्यपि ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं फिर भी एक आय के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे, तो इसलिए हमने इसका उल्लेख कर दिया। बाकी आगे के चैप्टर में इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आय का तात्पर्य यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया कि किसी भी देश के सभी निवासियों की आय जो है वही उसकी कुल आय होती है, जो कि यहाँ GDP के रूप में है, लेकिन उसके साथ में दो अवधारणाएं और हैं, इसलिए हमने उसको आप लोगों को बताया। तो ये भी GDP, GNP और NNP है जिसे आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम केवल आय को पढ़ रहे हैं। तो ये कुल आय हो जाती है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि केवल आय के अवधारणा को हम देख करके वहां विकास के मानदंड या विकास के स्वरूप को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि अगर किसी देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है और वो उस जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में जो है विकास नहीं कर रहा है, वृद्धि नहीं हो रही है इनकम में, तो निश्चित तौर पर वो देश और भी जो है गरीब होता चला जाएगा, क्योंकि उसका संसाधन जो है उस देश की जनसंख्या पर खर्च करनी होगी। अगर किसी भी देश की जनसंख्या 2.5 की दर से जो है बढ़ रहा है और वहाँ की वृद्धि जो 2 की ही दर से बढ़ रहा है, तो हम अगर इनकम को देखेंगे तो वृद्धि तो हो ही रही है, लेकिन फिर भी जनसंख्या उसी तेजी से बढ़ रही है, तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्रति व्यक्ति आय वहाँ पर घट जाएगा। तो हमारा ये टारगेट है कि देश की इनकम जो है, जो इसे वृद्धि कहा जाता है, वो इतनी ज़्यादा तेजी से होना चाहिए कि जनसंख्या के अनुपात में वो ज़्यादा हो सके, जिससे हम प्रति व्यक्ति आय को बढ़ा सके। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आय है इसे अगर हम कुल आय कहें और वहाँ की जो है कुल जनसंख्या से जो भाग दे दें, कुल जनसंख्या से जो भाग दे दें, तो वो जो डेटा निकल करके आता है वही जो है प्रति व्यक्ति आय होता है। मतलब प्रति व्यक्ति आय सामान्यतः औसत आय होती है, एक व्यक्ति की औसत आय होती है, उस सभी का जो है वो एक काल्पनिक आय होती है, क्योंकि देश में अलग अलग स्तर के लोग हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं और इसी तरीके से कुछ साधारण लोग हैं, कुछ वर्कर हैं, कुछ कर्मचारी हैं, तो सबकी आय अलग अलग होती है, लेकिन जो ये प्रति व्यक्ति आय होती है एक काल्पनिक आय होती है जो कि कुल जनसंख्या से कुल आय को भाग देकर के निकाली जाती है। तो यहाँ पे वही राष्ट्र जो है बढ़ता हुआ, वृद्धि करता हुआ विकास के मार्ग पर दिखाई पड़ता है जहां की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। तो यहाँ पर एक आय हो गया और उसी आय से निकला हुआ जो है ये कॉन्सेप्ट है प्रति व्यक्ति आय, या जिसे प्रति व्यक्ति औसत आय कहा जाता है, क्योंकि काल्पनिक आय होती है और इसके आधार पर किसी भी देश की जो है आर्थिक स्थिति का जो है आकलन किया जाता है। तो ये बातें निकल करके आई कि विकास के संदर्भ में आय एक महत्वपूर्ण जो है तुलनात्मक कारक होता है, जिसके आधार पर हम विभिन्न देशों के स्थिति को समझने और देखने का प्रयास करते हैं। अब इसके संदर्भ में वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, विश्व बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे विश्व विकास रिपोर्ट कहा जाता है।
विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसके आधार पर एक समय समय पर उसकी एक निश्चित आय निर्धारित की जाती है और इस आय के आधार पर जो है तीन प्रकार के जो देश बनते हैं, एक जो है समृद्ध जो है देश होते हैं और एक मध्यम आय वर्ग वाले जो है देश होते हैं और तीसरा जो है निम्न आय वर्ग वाले देश होते हैं। ये तीन प्रकार के जो देश होते हैं, अगर हम भारत की तुलना करें तो भारत की स्थिति जो है मध्यम आय वर्ग वाले देश के रूप में होती है और चूंकि आप जानते हैं कि भारत एक अभी भी विकासशील देश है जहां पर संसाधनों का कुशलतम उपयोग करके विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करना अभी भी शेष है और जिस दिन हम उस स्तर को प्राप्त कर लेंगे और संरचनात्मक ढांचे विकसित कर लेंगे, शिक्षा के उच्च स्तर को प्राप्त कर लेंगे तो हम इस समृद्ध आय वर्ग वाले में शामिल हो जाएंगे। तो विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और इसके आधार पर वो भी आय को ही आधार मानता है, इसीलिए हम लोगों ने विकास के संदर्भ में आय को देखने का प्रयास किया। अब यहां पर हम लोग जिस तरीके से व्यक्ति के संदर्भ में देखा कि केवल भौतिक ही नहीं, भौतिक का मतलब जैसे आय से है सीधा, बल्कि अभौतिक कारक यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, समानता जैसे कारक इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी तरीके से देश के संदर्भ में भी ये बातें व्यक्त होती हैं कि केवल इनकम ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं है बल्कि उसके साथ साथ और भी कुछ कारक होते हैं जिनके आधार पर विकास के जो है अवधारणा को व्यक्त किया जाता है, हम विकास की पूरी स्वरूप को जो है समझ पाते हैं। तो जैसा कि जो है आप लोग देखेंगे जो है एक चार्ट के माध्यम से ये कि इसमें जो है आप देखेंगे कि महाराष्ट्र, केरल, बिहार की स्थिति को जो दिखाने का जो प्रयास किया गया है और महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय जिसे कि प्रति व्यक्ति औसत आय भी कहा गया है, प्रति व्यक्ति औसत आय सबसे ज़्यादा है, उसके बाद केरल की है, उसके बाद जो है आप देखेंगे कि बिहार की है। लेकिन अब हम इसके बाद जो है शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता की जो हम बात कर रहे थे उसके आधार पर ये दूसरा जो है टेबल आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं जिसके माध्यम से ये जो है बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस तरीके से इनकम होने के बावजूद भी ये कारक जो है बैरी करते हैं, मतलब अंतर होता है उसमें कि आय अधिक है फिर भी जो है ये कारक जो है उतना अच्छी स्थिति में नहीं है जितना कि होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे इस स्थिति को स्पष्ट किया जा रहा है कि शिशु मृत्यु दर और साक्षरता, शिशु मृत्यु दर जो है महाराष्ट्र की जो है शिशु मृत्यु दर जो 25 है और केरल का जो शिशु मृत्यु दर वो 12 है, लेकिन इनकम में जब हम लोग देख रहे थे तो वहां पर इनकम किसकी ज्यादा थी, महाराष्ट्र की, तो शिशु मृत्यु दर भी महाराष्ट्र की कम होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि उस राज्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, वहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के जो एक अवसंरचनात्मक ढांचे का विकास किया गया है, स्वास्थ्य को लेकर के एक स्वस्थ वैचारिकी का विकास किया हुआ है, इसके आधार पर उसने अपने शिशु मृत्यु दर के स्तर को कम कर लिया है। यह भी विकास का एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसी तरीके से हम साक्षरता में देखते हैं महाराष्ट्र 82% साक्षरता दर वाला राज्य है, वहीं पर जो है केरल 94%, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में हम लोगों ने यह देखा कि केरल का प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र से कम है, तो केरल की अपेक्षा जो है महाराष्ट्र का जो साक्षरता दर है वो ज्यादा होना चाहिए लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा के संदर्भ में भी उसने एक बेहतर सोच, बेहतर दृढ़ इच्छा शक्ति, बेहतर स्कूल कॉलेज को जो स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। दिस मीन कि आय के साथ साथ अन्य अभौतिक कारक शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि की धारणा भी व्यक्त होनी चाहिए, अंतर कम करने का प्रयास करना चाहिए जिसके आधार पर ही ये व्यक्त किया जा सकता है कि विकास हो रहा है या विकास को लोग तक पहुंचाया जा रहा है। तो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को ये स्पष्ट हो गया कि आय के साथ साथ अन्य कारक भी जरूरी हैं और इसे ही जो है अभौतिक कारक कहा जाता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि विकास एक ऐसी अवधारणा है जो न केवल भौतिक बल्कि अभौतिक कारकों में सकारात्मक परिवर्तन के साथ व्यक्त होती है जिससे कि देश में उनके जनसंख्या के लिए बेहतर जीवन यापन, उनके आवश्यकता की पूर्ति इत्यादि हो जाती है।
विकास इन्हीं दो बातों में जो है स्पष्ट होती है। इसके साथ में एक और उदाहरण मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, विकास वर्सेस जो है वृद्धि, ये दोनों ही जो अवधारणाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन विकास एक जो है व्यापक जो है अवधारणा है, वृद्धि जो है एक जो है संकुचित अवधारणा है। ये जो है परिमाणात्मक रूप, ये जो है गुणात्मक रूप में जो है व्यक्त होता है, और ये जो है वो परिमाणात्मक रूप में व्यक्त होता है। परिमाणात्मक रूप में व्यक्त होता है, इसे हम गिनती कर सकते हैं, नाप तो सकते हैं, लेकिन यह जो है विचार के रूप में होता, प्रत्येक रूप में होता, इसलिए हम इसे नाप तो नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि विकास किसी देश के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि वृद्धि, इसे आय जो है वो वृद्धि का कारक है, क्योंकि हम किसी देश की आय को नाप सकते हैं, तौल सकते हैं कि किसी देश की आय अगर 75,000 करोड़ है तो अगली बार वो 85,000 करोड़ हो गया तो उसी गिनती में लाया जा सकता, तो वृद्धि हो गई। लेकिन किसी देश की जो है नागरिकों के स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही, शिक्षा में वृद्धि हो रही, तो वो नापने वाली बात नहीं है। किसी व्यक्ति के शिक्षा का स्तर अगर बढ़ा है, सोच समझ ज्ञान बढ़ा, तो ज्ञान को हम कैसे नाप सकते हैं? तो ये चीजें हो जाती हैं गुणात्मक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि विकास जो है एक व्यापक अवधारणा है जो गुणात्मक पहलुओं के रूप में व्यक्त करता है, जिसे हम नाप तौल नहीं सकते हैं, अर्थात विकास जो है एक व्यापक अवधारणा। उन्हीं पर वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है जो कि परिमाणात्मक कारकों के रूप में व्यक्त करता है, और वह उन कारकों की बात करता है जिसे हम नाप तौल सकते हैं, अर्थात विकास जो है वृद्धि की तुलना में ज़्यादा प्रभावी कारक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है, जिसके आधार पर किसी देश में सकारात्मक परिवर्तन को मापा जा सकता है। तो ये रही बात जो है विकास और वृद्धि के संदर्भ में। इसी विकास के संदर्भ में मानव विकास सूचकांक की भी बात की जाती है। मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक जो है वो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है, और ये 1990 से जो है जारी किया जा रहा है। इसके माध्यम से किसी भी देश के विकास को मापने के लिए जो प्रयास किया जाता है, इसके आधार पर व्यक्त किया जाता है कि किस देश की स्थिति तुलनात्मक रूप से कहां पर स्टैंड कर रही है। तो अगर हम देखें तो इनमें जो है तीन महत्वपूर्ण कारकों को शामिल किया जाता है, शिक्षा को, स्वास्थ्य को, और इसी तरीके से प्रति व्यक्ति आय को। एक आउटलाइन दिया जा रहा है, इसमें शिक्षा में भी काफी कुछ जो है अंतर है, उसमें स्कूल में रहने वाले समय को ध्यान में रखा जाता है, ये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा उसमें शब्द आया है। लेकिन यहाँ पर एक सामान्य तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि NCERT का जो टॉपिक है, बेसिकली इसमें बहुत ही स्पष्ट चीजें बताई जाती हैं ताकि एक सोच और बेहतर समझ पैदा हो सके। इसलिए यहाँ पर इस तरीके से जो है बताया जा रहा है कि ये चीजें जो है वो वृद्धि के रूप में जो है जुड़ी हुई थी, लेकिन ये दोनों जो है वो विकास के जो है कारकों को व्यक्त करती है। और हम पूरे विकास को देखने के लिए, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ना जरूरी है, क्योंकि आय से ही जो हम शिक्षा पर भी खर्च कर सकते हैं, स्वास्थ्य की दिशा में भी खर्च कर सकते हैं, तो इन्हीं तीनों कारकों को व्यक्त किया गया है। और इन तीनों कारकों के आधार पर उसमें भी जो है विश्व विकास रिपोर्ट की तरह से जो है उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग की स्थिति आती है। भारत अभी भी यहाँ पर भी जो मध्यम वर्ग की स्थिति में अपने आप को स्टैंड कर पाता है। तो मानव विकास सूचकांक भी विकास को व्यक्त करने का एक जो महत्वपूर्ण सूचकांक है, जो कि UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, 1990 से जिसे जारी करने का जो प्रयास किया जा रहा है, और इसमें तीन महत्वपूर्ण कारकों को शामिल किया जाता है। तो ये बात रही जो मानव विकास सूचकांक के जो है संदर्भ की। अभी मानव विकास की बात हो रही है, तो इसमें एक शब्द आता है विकास की धारणीयता, विकास की धारणीयता, विकास की धारणीयता।
धारणीयता का मतलब होता है अंग्रेजी में उसे कहते हैं सस्टेनेबिलिटी, मतलब किसी प्रकार के जो है कारक को, किसी चाहे विकास की बात हो, उसको बनाए रखना लंबे समय तक, उसे धारणीयता कहा जाता है। तो जब विकास की धारणीयता का बात होती है तो कहने का तात्पर्य कि विकास के ऐसे तरीके, ऐसे मेथड को अपनाना जिससे हम प्राकृतिक संसाधनों का, पर्यावरण की गुणवत्ता को आने वाली पीढ़ी के लिए जो बचा पाने में सक्षम होते हैं। क्योंकि आज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगर हम प्राकृतिक संसाधनों का इतना प्रयोग करते हैं कि उतना जो है प्रकृति जो है पुनः उत्पादित नहीं करती है, तो असंतुलन उत्पन्न होता है और आने समय में पर्यावरण की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पर्यावरण की गुणवत्ता प्रभावित होती है, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है, आने वाली पीढ़ियों की जो जीवन जो है प्रभावित होती है। तो हमें ऐसे उपाय करने होते हैं जिसमें हम पर्यावरण की गुणवत्ता बचा सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित रख सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास के एक अवसर को जो सुनिश्चित कर पाते हैं। इसके लिए यहाँ पे नव्यकरणीय संसाधन और अनव्यकरणीय संसाधन, मतलब जिसका प्रयोग करने पर जो है प्रकृति पुनः उसको उत्पादित करती रहती है और जिसका प्रयोग करने पर प्रकृति से उत्पादित नहीं कर पाती है, ये निश्चित मात्रा में, जैसे कोल है हमारा, कोयला है, लौह अयस्क है, ये जमीन में, ये तब वो भी प्रकृति के माध्यम से जो है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से बनता है, लेकिन वो हजारों साल लग जाते हैं बनने में, तो उसे नहीं कह सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा जो है विद्युत उत्पादन हो गया, जल विद्युत अगर हम उत्पादित कर रहे हैं तो जल से विद्युत उत्पादित हो रहा है, उसमें कोई चीज खर्च नहीं हो रहा क्योंकि जल पुनः जो है प्रयोग में लाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो सौर ऊर्जा हो गया नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसमें हम किसी प्राकृतिक संसाधन को खर्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम कोल खर्च करते हैं तो इससे पर्यावरण भी जो दुष्प्रभावित होता है और कोयले का भंडार भी कम होता है। तो हमें कहीं ना कहीं विकास की धारणीयता को जोर देते हुए जो है नवीकरणीय जो है संसाधनों का जो है ज्यादा प्रयोग करना होगा, इसके लिए तकनीक विकसित करना होगा और अनवीकरणीय संसाधनों को बचाने का जो प्रयास करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि विकास के जो है इस टॉपिक के माध्यम से जो है विकास के कई कारकों को आज के इस लेक्चर में जो समझने में जो है मदद मिली होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इसका आप लोग रिवाइज कीजिए और एक बेहतर दृष्टिकोण पैदा करने का जो प्रयास कीजिए, और पुनः अगले लेक्चर में जो हम इसी टॉपिक के जो है अगले लेसन को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।